अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हमजा अली और आप सब देख रहे हैं एच पर हमजा व्लॉग्स। तो गाइज आज जो है संडे है, ठीक है, आज फिर छुट्टी है। संडे को मौका मिलता है हमारा जो है ना व्लॉग बनाने का, क्योंकि टाइम नहीं होता आपको पता है। तो आज भी सोच रहा था कि क्या बनाऊँ, कोई कंटेंट जहन में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो क्योंकि पिछले मैं एक महीने से मैं डाइट पर हूँ, ठीक है, डाइट कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा वेट था तो तकरीबन 82 kg, ठीक है, और अब जो करंट मेरा वेट है वो तकरीबन 76 kg है, ठीक है। वो मैंने अपनी जो ये मैं डाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसके साथ मैंने काम किया। तो मैंने कहा यार क्यों ना मैं खा रहा हूँ जो डाइट वो आपको आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो ये पिछले एक महीने से जो मेरा सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो ये चल रहा है। ये खीरे पड़े हैं, खीरे ख़त्म हो गए तो मैं अभी ले गया हूँ सुबह, ठीक है ना। ये खीरे पड़े हैं और ये अंडे हैं, बड़े 6 अंडे हैं और एक आलू ये वाला है, ठीक है। और ये एक रात को बच गया था, ठीक है, तो ये वो है एक रात वाला फ्रिज में रख दिया था ताकि कोई ख़राब ना हो, ठीक है ना। तो ये किया ही, यानी 2 आलू हैं और तकरीबन 6 अंडे हैं और 1 से 2 खीरे होंगे हमारे, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा ये हमें जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, वो मेन हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ठीक है। उसके साथ अच्छा हो जाएगा अगर फाइबर भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। फाइबर मिल जाएगा हमें खीरे के अंदर, ठीक है, और आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें जो है ना एनर्जी देते हैं और हमारा साइज़ बिल्डअप करते हैं। और दूसरी जो तीसरी चीज़ है वो होती है प्रोटीन। प्रोटीन हमें मिलेगा एग्स के अंदर, ठीक है। अगर इसका एग योक निकाल देंगे तो फिर जो है ना इसके अंदर से फैट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग योक के अंदर फैट होता है, ठीक है, तो वो स्लो डाइजेस्टिव होता है। इसलिए हमें जल्दी रिकवरी चाहिए तो हमें प्रोटीन चाहिए, सिर्फ वाइट सफेदियाँ चाहिए हमें इसकी, ठीक है ना, अंडे की। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अंडे से, ठीक है। पहले एक पूरी प्लेट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, विद हर चीज़, ठीक है, अंडे, आलू और खीरे और बादाम भी होंगे। सॉरी बादाम नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि एक अंडे के साथ एक बादाम, क्योंकि बादाम के अंदर भी अच्छे जो है ना अच्छी सोर्स ऑफ फैट होता है, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ फैट है, ठीक है। तो हमें वो भी चाहिए, उससे ये होगा क्योंकि इनमें से कोई चीज़ मीठी नहीं है, ठीक है, तो वो जो है बादाम वो थोड़ा सा जायका मुंगा चेंज कर देगा, तो जो है ना फिर खाने का ना थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं खाया जाता, बिल्कुल फीका होता है बिल्कुल ही। अंडे भी हैं ऐसे खाने हैं, बॉइल्ड, हर चीज़ बॉइल्ड खानी, ठीक है। तो मैं ये खा रहा हूँ, सबसे पहले जो है मैं प्लेट तैयार कर लेता हूँ उन्हें, तो फिर आपसे मिलते हैं। तो इसके अंदर जो है ये एग योग है, इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर फैट होता है, स्लो डाइजेस्टिव होता है, इसलिए ये हम नहीं खाते, ठीक है। सिर्फ अंडे की सफेदियाँ खाते हैं, वो एक साइड पे रख लेते हैं, पहले पूरे अंडे एक साइड पे कर लेते हैं, फिर एक एक मतलब बारी आती है सबकी।
जी तो गाइज ये मेरी मील बन के रेडी हो चुकी है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें इसके अंदर जो है तकरीबन एक खीरा है, दो आलू हैं और छः अंडे हैं और छः बादाम हैं। ये देखें तो अब ये मेरी पूरी प्लेट बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन भी मिल जाएगा हमें, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे और हमें जो है बादाम से हमें गुड सोर्स ऑफ फैट भी मिल जाएगा। ठीक है, और खीरे के अंदर हमें फाइबर मिल जाएगा। तो यार तकरीबन पिछला एक महीना हो गया तो मैंने एक महीने से रोटी का एक निवाला भी नहीं खाया। कल मैंने एक रोटी खाई है, कल क्योंकि कल जो है ना छुट्टी थी। ठीक है, तो मैंने एक रोटी खा ली थी, ठीक, क्योंकि घर में जो है ना सब खा रहे थे तो मेरा दिल करता है, लेकिन पहले तो मैं अवॉइड कर लेता हूँ, लेकिन कल जो है ना छुट्टी भी थी, सब खा रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक रोटी मैं भी खा रहा, तो बड़ा अरसों के नहीं खाई। ठीक है, तो ये मेरी हेड होती है डाइट मॉर्निंग की। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना तीन से चार मील होती है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये अगर आपने भी फिट रहना तो ये खाएं, लाजमी खाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यकीन करें अगर आपने कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि रोटी की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी और ये चीज़ें खानी पड़ेंगी, क्योंकि ये हेल्दी होती है। ठीक है, ये जो है अगर आप इन्हें खाते हैं, अगर आप खा पी के सो भी जाते हैं तो ये इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आलू के अंदर। ठीक है, और आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके ना जो बहुत ही ईजिली जो है ना डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसी के मुकाबले में अगर आप देखा जाए तो रोटी को वो जो रोटी होती है वो हार्ड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन तो पता है आपको, प्रोटीन कुछ भी नहीं करता, एनर्जी देता है, मसल्स बनाता है हमारे। ठीक है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है। फाइबर जो होता है वो हमारे वैसे भी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे फिनिश करता हूँ, तो फिनिश करके फिर आपसे मिलते हैं। हाँ, इसके साथ पानी भी होता है, सॉरी मैं पानी लेना भूल गया, पानी लेके आता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हलक से नीचे नहीं उतरती, बहुत मुश्किल से खाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पानी लेके आता हूँ, पानी भी इसके साथ पीना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो है ना अपने वाटर इंटेक में बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप अंडे खाते हैं छः छः अंडे एक टाइम में तो आपको पता है आपका जो मैदा होता है वो हीटअप कर जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी की क्वांटिटी पूरी रखें, तो मैदे का इशू भी ना हो आपको, पेट का इशू भी ना हो, तो पानी की क्वांटिटी लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं।